एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका सिंह, आपकी भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने गाने दिए होंगे, बहुत सारी फिल्मों में गाने दिए होंगे, क्योंकि प्रियंका सिंह एक ऐसा नाम जो कि भोजपुरी फिल्मों में गाने देने के लिए माना जाता है, और उनके साथ एक महोत्सव में, बिहार के महोत्सव में उनके साथ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया जाता है, बीच स्टेज पर किया जाता है, एज ए चांदनी सिंह आर्टिस्ट सबसे पहले रिएक्शन क्या देते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही, मतलब वो जो एंकर लड़की थी वो कितनी बदतमीज थी, उसको किसने ये हक दिया है कि वो अपने ही शहर में, अपने ही गांव घर में जाकर के उनके साथ, मतलब जो लड़की अपने ही गांव घर में सिर्फ नहीं है, वो बाहर से क्या उम्मीद कर सकती है। प्रियंका जी मतलब मेरी सबसे ज़्यादा हिट गाने देने वाली प्रियंका जी हैं, और मैं उनको बहुत मानती हूँ, वो बहुत ही प्यारी, और मतलब उनके साथ ऐसा हो सकता है क्या बोलूँ, और ये बहुत ही गलत है। और यही वजह है कि मैं नहीं जाती हूँ किसी भी स्टेज शो पे, मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उसको इज्जत दीजिए, पैसे वैसे ये सब तो बात की बात है, आप क्या दे रहे हो क्या ले रहे हो वो अलग बात है, बट आप अगर किसी को बुला रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको इज्जत दीजिए, आप इज्जत नहीं दे पाए उनको तो मतलब क्या मैं बोलूँ इसके लिए, बहुत ही वाहियात इसको बोल सकते हैं, बहुत ही गंदा, और यही रीज़न रहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जाना पसंद करती। खास करके जिस तरीके से जो एंकर थी वो कहती है कि मैडम एक सेकंड रुकिए, आप इतने बड़े कलाकार को इतना बड़ा समारोह कर रहे हो, और किसी को दिया स्टेज से, ठीक है समय शेड्यूलिंग होता है कि सबको टाइमिंग बराबर देना होता है, लेकिन उतारने का एक तरीका होता है, आप लिटरली आप किसी एक बड़े आर्टिस्ट को, कल को मैडम आज सिंगर की बात हो रही है, कल के साथ आपके साथ होगा, क्योंकि आप आर्टिस्ट है, आप ही जाएंगे कहीं ना कहीं महोत्सव अवार्ड कई सारे फंक्शन होते हैं जो पब्लिक का जो होता है, इस तरीके से लिटरली मैडम एक सेकेंड रुक जाइए, ये लगता नहीं है कि भोजपुरी को एकदम कलाकारों का इज्जत एकदम मध्यमलेन कर दिया गया है? सच बात है, वो लड़की को तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, वो जो भी लड़की थी वो इतनी बदतमीज थी, मतलब ऐसा लग रहा था मैं उस जगह पे होती तो पहले तो उसको मार देती मैं, मतलब देख के मुझे प्रियंका जी का जो आवाज़ था, प्रियंका जी का जो रो के उन्होंने बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जल्दी किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, बट वाकई में मुझे प्रियंका दी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि उनकी जगह मैं होती तो मैं उस एंकर को तो जरूर मारती, बाद में देखा जाता जो होता, बट उसको तो मैं मारे बिना तो नहीं छोड़ती, सेट पे ही मार, मतलब स्टेज पे ही मारती, इतनी वो बदतमीज और वाहियात लड़की थी कि तुम एक लड़की हो के एक लड़की की इज्जत नहीं की, वो भी एक ऐसी सिंगर की जो इंडस्ट्रीज में इतने हिट के साथ साथ इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग उन्होंने दिए, कभी वो गंदे गाने नहीं गाती हैं, कुछ भी नहीं गाती हैं, जब भी गाती हैं बहुत डिसेंट और बहुत ही अच्छा गाती हैं, आपने उनके लिए ऐसे किया? और खास करके वहाँ के जो महोत्सव के लोग भी, उन्होंने एक्शन नहीं उठाया, और एक लड़की को बुला के आप इस स्टेज पर, मतलब एक तरीके से बेइज्जती कर देना, आवाज जो फंक्शन होता है, जो महोत्सव है, उसके ऊपर भी सवाल उठता है कि उनके टीम मेंबर कहाँ थे, और खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री की जो लड़कियाँ, लड़कियों के साथ इस तरीके, तो लड़कियाँ भी आवाज़ नहीं उठा रही, वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, या फिर जो हीरो हैं जो मेल डोमिनेट है वो भी अभी तक आवाज़ नहीं उठाए कि प्रियंका के साथ है, आपको नहीं लगता कि दोहरी राजनीति हो रही है कि भाई लड़कियों के साथ, भाई उसका काम है उसको होने दो, अभी हम तो नहीं है ना। देखिए हम ये नहीं कहते सब लड़कियां सही हैं और सब लड़के गलत हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं, यहाँ हम लड़के लड़की की बात नहीं कर सकते, इंसान की बात कर सकते, बट प्रियंका दी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि जिससे आप ऐसा रिएक्ट कर सकते, तो प्यार से बोल सकती थी कान में कि समय कम है मैम, हम लोग मतलब और भी लोग हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, आप ऐसे बोलो, आप इतने बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हूँ, तो वो तो बहुत ही, और वहाँ के लोग कैसे हैं जो, मुझे तो लगता है ऐसे मतलब शहर में तो जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में तो जाना ही नहीं चाहिए जहाँ रिस्पेक्ट ना हो, सिंपल सी बात है। तो भाई ये जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर चांदनी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन